हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का हमारे इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आज हम लोग फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के साथ। कल हम लोग ने डिस्कशन किया था आरबीआई और नाबार्ड के चैप्टर पर, तो आज हम लोग ने क्या कहा था कि आज हम लोग उस पे बेस पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल हम लोग ने ब्रीफली डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है, आज हम लोग उस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। सबको पता है मेरा नाम संगीता है और मैं इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ जो कि आपके संग जुड़ रही हूँ, एजुकेटर संगीता, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए आपको पता होगा कि सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए आपके पास कई सारे आपके पास वो है, जिसमें से आपके लिए सबसे बेस्ट है जो 12 मंथ और 24 मंथ का है। अगर आप 12 मंथ का परचेस करते हो, मेरे कोड से परचेस करते हो, जो कि कोड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा संगीता, तो आपको पड़ेगा 5400 का, और 24 मंथ का अगर आप परचेस करते हो तो 6480 का। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनअकैडमी। बिल्कुल बिल्कुल, जितने लोग जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी जुड़ सके और क्वेश्चन के आंसर दे सके, ठीक है। तो हम लोग लेट नहीं करते हैं और क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, क्लियर है ना। तो हम लोग कल नेक्स्ट डे फिर टॉपिक पर आएंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे, तो इस तरह से हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्लियर। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक इन शॉर्ट टर्म टू मेंटेन लिक्विडिटी इज नोन एज। कल हम लोग ने आरबीआई टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम लोग ने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था, जो कि कल हम लोग इस टॉपिक पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सामने आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करिए। ऑप्शन आपके सामने है, लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए आरबीआई जिस शॉर्ट टर्म में कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है उस ब्याज दर को निम्न प्रकार से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला क्या है इंटरेस्ट रेट, दूसरा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड एमएसएफ। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। सी आंसर आया है सौरभ, बिल्कुल वेलकम है आपका। विमलेश सी आंसर दिया है, विमलेश ने, सौरभ ने भी सी आंसर दिया है, आकाश बजाज ने भी सी आंसर दिया है, तो देखते हैं कि सही आंसर सी है या नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर सी है, वेरी गुड, आप लोग ने बिल्कुल सही आंसर दिया। इसका मतलब है कि आप लोग से कहा गया था कि कल क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो आप लोग पढ़कर आए हैं, बहुत सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना लेट किए हुए। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट आप जान लेते हैं, कल हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन था जो कि आपको आंसर बिल्कुल सही आंसर मिला है। अभिनव दुबे का भी बिल्कुल सही आंसर आया है, सी आंसर आया है, आकाश बजाज का भी सही आंसर आया है, जितने लोगों ने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया। तो हम लोग रेपो रेट के बारे में जान लेते हैं। देखिए रेपो रेट क्या होता है, देखिए एक रेट होता है, एक रेट होता है जिस रेट पर कस्टमर्स को लोन दिया जाता है, तो वो रेट रेपो रेट कभी नहीं होगा। लेकिन जिस रेट पर बैंक आरबीआई से लोन लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो लोन कौन सा लोन कहलाता है, रेपो रेट, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24 के संदर्भ में आरबीआई अधिकतम कितने रुपए के बैंक नोट जारी कर सकता है, मतलब सीधा सा आंसर है कि आरबीआई मैक्सिमम कितने रुपए तक की नोट जारी करने का अधिकार रखता है। आंसर जल्दी जल्दी देना स्टार्ट करिए, अभिनव, सौरभ, विमलेश, आकाश, शीला, जितने लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ, जल्दी जल्दी आंसर देना स्टार्ट करिए, फटाफट आंसर दीजिए। 200 रुपए, 5000 रुपए, 10000 रुपए, 1000 रुपए, 20000 रुपए, कितने रुपए तक मैक्सिमम नोट प्रिंट करने का अधिकार आरबीआई रखता है, क्लियर, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, देखते हैं आंसर आ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, 200 रुपए, 5000, 10000, 1000, 20000। विमलेश का आंसर आया है सी, सौरभ का भी आंसर सी आया है, विमलेश 10000 लिख रहे हैं, अभिषेक सैनी ए आंसर दे रहे हैं,
भैया बाकी लोग भी जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर अगर आपने सही आंसर दिया तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ही होना। अभिनव दुबे सी आंसर दे रहे हैं। अभिषेक सैनी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ए आंसर सही है? 200 रुपए या 2000 रुपए तो आपके पास ही होगी, 200 रुपए कैसे हो सकता है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सरताज सी आंसर दे रहे हैं। मोस्टली लोगों का जो आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है ना, तो देखते सही आंसर। अभिषेक सैनी सर जल्दी से आंसर अपना सही करिए। भाई चलिए लेट नहीं करते हैं, बहुत से लोगों का सही आंसर आ गया है। देखिए बिल्कुल सही आंसर है, 10,000 तक मैक्सिमम आरबीआई 10,000 तक की नोट प्रिंट करने का अधिकार रखती है, और ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी में ही आता है। आप एसएससी हो, पीसीएस हो, कोई भी पेपर हो, अगर इकोनॉमिक्स उसमें जुड़ा है तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर हर चीज का पता होना चाहिए ना। चलिए, क्योंकि एक एक नंबर हमारे एग्जाम के लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक एक नंबर से सिलेक्शन, 0.11 से सिलेक्शन रुकता है, और जीवन भर फिर प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती है कि नहीं है। तो हमें गवर्नमेंट नौकरी में फायदे होते ही हैं, आप देख रहे होंगे कोरोना के केस में कितने प्राइवेट जॉब्स लोगों की चली गई हैं, और आज के समय में क्या है, गवर्नमेंट जॉब वाले कहीं ना कहीं सेफ है, तो हमको क्या चाहिए, किसी भी हालत में गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अभिषेक सैनी ने बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल आकाश घोष मैम आई एम न्यू, बिल्कुल आप नए हैं तो क्या हुआ सर, जुड़िए कोई दिक्कत नहीं है, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारे आंसर इधर मिल जाएंगे। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन इंडिया द सिस्टम ऑफ डेसिमल कॉइनेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन विच ईयर, किस ईयर को इंट्रोड्यूस हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, और चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1950, और लास्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्या है, 1 अप्रैल 1957। चलिए फटाफट आंसर देना स्टार्ट करिए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करिए जल्दी जल्दी, देखते हैं किसका आंसर पहला आता है। वीडियो को भाई शेयर करते हुए चलिए, बाकी लोगों को भी कहिए कि जुड़ते जाएं और आंसर देते जाएं। देखिए जितना ज्यादा आप जुड़ेंगे आपको फायदा ही फायदा मिलना है, नुकसान तो कहीं होना ही नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिए इसका, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपकी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। आकाश बजाज का आंसर सबसे पहला आया है, बी आंसर आया है। चलिए देखते हैं कि बाकी लोग का आंसर क्या आता है, जल्दी जल्दी आंसर देना स्टार्ट करिए। भाई बी आंसर आया है आकाश बजाज का, विमलेश का डी आंसर आया है, सौरभ का ई आंसर आया है। भाई तीनों लोग का आंसर अलग आ रहा है, क्या बात है। आकाश बजाज बी दे रहे हैं, सौरभ दे रहे हैं ई, विमलेश दे रहे हैं डी। भाई सही आंसर क्या होगा, किसका सही आंसर हो सकता है बताइए। भाई सरताज दे रहे हैं सी आंसर, तो बी ई डी सी, अभी ए भी आ जाएगा, अभिनव भी डी दे रहे हैं, मतलब दो लोग का आंसर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, विमलेश और अभिनव डी आंसर दे रहे हैं। क्लियर, बाकी लोग भी भैया जल्दी जल्दी आंसर दो। अभिषेक सैनी बी आंसर दे रहे हैं, आकाश बजाज अभिषेक का एक जैसा आंसर है, सौरभ ई दे रहे हैं, विमलेश और अभिनव डी दे रहे हैं, सरताज सी दे रहे हैं। बाकी लोग भैया फटाफट आंसर देते जाइए, चलिए लेट नहीं करते हैं, सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। और सही आंसर जो जिन लोगों का है वो है विमलेश, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, और अभिनव बिल्कुल सही आंसर है, इन दो लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 अप्रैल 1957 को आपका, सॉरी ई आंसर बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल 1957 को ये आपका स्टार्ट हुआ था, क्या, दशमलव संचय की प्रणाली, डेसिमल कॉइनेज, गलत हमने बोल दिया, किसका, सौरभ सांध्या का, बिल्कुल ई, हाँ बिल्कुल सही है सौरभ, सॉरी सौरभ का आंसर बिल्कुल सही है, और हाँ बिल्कुल सही आंसर है, डी आंसर गलत है, बी आंसर गलत है, सी आंसर गलत है। भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ई आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 1 अप्रैल 1957 को हुआ था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से आ गया है। रूपी कॉइन्स आर द लीगल टेंडर इन इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ विच एक्ट, भारत की किस अधिनियम के प्रावधान के तहत सिक्के जारी किए जाते हैं,
ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। हिमांशी डी आंसर नहीं होगा, सौरभ का ही सिर्फ आंसर सही था। पिछले क्वेश्चन का आंसर सौरभ का ही खाली सही था, बाकी लोगों का गलत था। ठीक है, वेरी गुड सौरभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आरबीआई एक्ट 1934। पहला ऑप्शन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। थर्ड ऑप्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फोर्थ ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906। एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीस। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमित शर्मा ने दिया है ई आंसर, विमलेश दे रहे हैं डी आंसर, ठीक है, राधेलाल मीना दे रही है ए आंसर, अमित शर्मा दे रहे हैं ए आंसर 1934। बाकी लोगों का भी आंसर देखते हैं। अमित शर्मा का ए आंसर आया है। अमित शर्मा ने पहले ई दिया नन ऑफ दीस, फिर अमित शर्मा ए आंसर दे रहे हैं, तो देखते सही आंसर किसका है। जल्दी बाकी लोग भैया जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ बिना लेट किए हुए। दीक्षा शर्मा ने ए आंसर दिया है, सरताज हुसैन ने ए आंसर दिया है। देखो कहीं ना कहीं आरबीआई जब नोट छापने की बात या सिक्के छापने की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को आरबीआई लगता है, क्योंकि सबको पता है आरबीआई नोट छापता है, रुपया छापने का काम तो आरबीआई का है कि नहीं। तो लेकिन जरूरी नहीं है ना कि जो रुपया छाप रहा है वही आरबीआई वही आपके सिक्के भी करता हो, है ना, ये हमने कल डिस्कस भी किया था। तो जितने लोग नए जुड़े हैं वो आंसर गलत दे रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। ए आंसर काफी लोग का ए आंसर आया है, तो सही आंसर जो है वो आपका डी आंसर है, विमलेश का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड विमलेश, बिल्कुल सही आंसर दिया है डी, इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी लोग का भाई गलत आंसर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभिनव दुबे का डी आंसर अब आ गया है। नितेश कुमार अभी भी देख रहे हैं। देखिए नोट जो छापी जाती है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में छापी जाती है, क्लियर। लेकिन जब इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906 की बात करें तो सिक्के उसके अंडर में प्रोविजन में छापे जाते हैं, क्लियर। और याद रखिएगा सिक्कों का टंकड़ होता है, नोटें छापी जाती हैं। और हम लोग ने कल डिस्कशन भी किया था कि नोटें कहाँ कहाँ प्रिंट होती हैं। चलिए जल्दी से आप बताइए नोटें कहाँ कहाँ प्रिंट होती हैं। डी आंसर शिवम का भी डी आंसर आया है, बिल्कुल सही। सौरभ का भी डी आंसर आ गया, बिल्कुल सही है भाई। अब न दुबे का आंसर आ चुका था, सबसे पहले जो करेक्ट आंसर दिया था वो भाई विमलेश ने दिया था, ठीक है, वेरी गुड विमलेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हमने अभी आपसे पूछा कि नोटें कहाँ कहाँ प्रिंट की जाती हैं, देखते हैं कितने लोगों को याद है, कल पढ़ाया था। देखते पहला आंसर किसका आता है, जल्दी जल्दी भाई आंसर देते जाओ। बहुत टाइम लग रहा है, लग रहा है रिवीजन करना पड़ेगा है? जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी जल्दी आंसर कि नोटें कहाँ कहाँ प्रिंट होती हैं। चलिए तब तक आंसर दीजिए, क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग ले आते हैं स्क्रीन पर क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। देवास नासिक उज्जैन, उज्जैन है सर, देवास नासिक तो सही है, नासिक देवास मैसूर और सालबोनी, ठीक है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मौद्रिक नीति में निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, रेपो रेट, बैंक रेट, ब्लू चिप, कैश रिजर्व रेशियो और एमएसएफ, ठीक है जल्दी से आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट यूज इन मॉनेटरी पॉलिसी, जल्दी से आंसर दीजिए, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ चुका है। श्रद्धा ने आंसर दिया है ए। सर शिवम बताया तो नासिक मैसूर सालबोनी देवास, ठीक है बता तो दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए, इस पे आ जाइए। नितेश सौरभ जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राजकुमार अभिनव दुबे श्रद्धा फटाफट आंसर देना शुरू करिए। नितेश कुमार का आंसर आया है ई एम एस एफ, राजकुमार का आंसर आया है सी ब्लू चिप। भाई बाकी लोग जल्दी जल्दी जितने लोग जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी आंसर दीजिए और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर वीडियो आपको लग रहा है कि आपके बेनिफिट के लिए तो प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा कंपटीशन आपके अंदर बीट होगा और उससे क्या होगा, आपको फायदा होना है, हमसे ज्यादा फायदा आपको होना है, ठीक है ना।
तो ये मत सोचिए कि हमको फायदा होगा। फायदा क्या होगा, आप आंसर दोगे पहले, दूसरा आंसर देगा पहले, इससे पता चलेगा कि कितना ज्यादा कंपटीशन हमारे बीच में है। चलिए, प्रदीप ने आंसर दिया है ई, अभिनव दुबे ने दिया है सी, ठीक है, अमित शर्मा ने दिया है सी। अब बात करते हैं जो सही आंसर, देखिए राजकुमार ने सी दिया है, सौरभ ने, अब हम लोग बात करते हैं कि सही आंसर क्या है। देखिए, रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी का टर्म है, क्योंकि रेपो रेट अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, बैंक रेट ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का टर्म है, कैश रिजर्व रेशियो ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का टर्म है, एमएसएफ जिसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये भी आपको मॉनेटरी पॉलिसी का टर्म है। तो कौन सा टर्म नहीं हुआ, ब्लू चिप आपका नहीं हुआ। तो सही आंसर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन यहां ये नहीं पूछा गया था कि कौन सा टर्म है कौन सा टर्म नहीं है, ये पूछा गया था। तो सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है। तो जितने लोगों ने भी सी आंसर दिया, अमित शर्मा, अभिनव दुबे, आपके गलत आंसर था राजकुमार, इतने लोगों ने सही आंसर दिया है, तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब तक का होता है, व्हाट इज द फाइनेंशियल टर्म पीरियड ऑफ आरबीआई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर है, 1 जुलाई टू 1 जून, 1 जुलाई टू 30 जून, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 अप्रैल टू 30 मई और 30 जून टू 1 जुलाई। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। शिवम का आंसर आया सी, नहीं भाई सी, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी भाई, शिवम, अमित, सौरभ, सरताज, अभिनव, प्रदीप, श्रद्धा, आकाश, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अमित शर्मा का आंसर डी आ गया है, अमित शर्मा कह रहे हैं 1 अप्रैल टू 30 मई। विमलेश का भी आंसर डी आ गया है, फटाफट आंसर देते जाइए, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज वीडियो को शेयर करते जाइए, बाकी लोग भी जुड़ते जाएं। प्रदीप का आंसर डी आया है, शिवम का आंसर बी आया है, भाई अभी तक एक लोगों का आंसर बी आया है, बाकी सबका डी आ रहा है, डी मतलब 1 अप्रैल टू 30 मई। नीतीश कुमार डी, सलमान अहमद डी, बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर होता है वो कहीं ना कहीं यही होता है 1 अप्रैल टू 30 मई, है ना। तो हमको लग रहा है कि यही आरबीआई का भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि यही हो। तो आपको सही आंसर की ओर बढ़ते हैं, देखिए शिवम ने बी आंसर दिया था और बाकी लोगों ने सबने डी आंसर दिया है, 1 अप्रैल टू 30 मई, और जो सही आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ शिवम का सही आंसर है 1 जुलाई टू 30 जून। याद रखिएगा, आपसे जब पूछा जाए कि जो बजट बनता है वो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल टू 30 मई तक का बनता है, लेकिन आरबीआई का जो वित्तीय कार्यकाल होता है वो 1 जुलाई टू 30 जून होता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कंफ्यूजन कहीं नहीं है। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून का होता है, और जब हम बात करते हैं कि बजट जो बनता है हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो क्या आपका होता है 1 अप्रैल टू 30 मई का होता है। तो जितने लोग ने भाई आंसर दिया वो कहीं ना कहीं क्या था, गलत था, थोड़ा सा ध्यान देना है। राजकुमार का बी आंसर आया था, शिवम का बी आंसर आया था, और बाकी लोगों का क्या था, सबका डी आंसर था। अमित शर्मा को हंसी आ रही है, गलत हो गया, चलिए कोई नहीं, आगे सही आंसर भी तो कई लोगों ने दिया ना, चलिए कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन गलत हो गया, इससे बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होता है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन से अगर हम देखेंगे तो कहेंगे अरे ये क्या है, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना, लेकिन वही छोटा सा क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में गलत हो जाता है, और फिर हम बाद में पछताते हैं, यार क्वेश्चन तो बहुत ईजी था पर क्या हो गया, गलत हो गया ना। तो हम लोगों को गलत क्वेश्चन नहीं करना है, एक एक नंबर सिलेक्शन के नजदीक ले जाता है, और एक एक नंबर जब माइनस मार्किंग होती है तो सिलेक्शन से आपको बहुत मीलों दूर लेके चली जाती है, क्लियर है, फिर हम इधर उधर भटकते रहते हैं, तो वो काम नहीं करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, कल पढ़ाया था ना, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
अच्छा चलिए, राजकुमार बोला तो राजकुमार का भाई बी आंसर था सर, बोला मैंने कि राजकुमार का बी आंसर था। ठीक है चलिए आंसर दीजिए। सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1934, 1935, 1949, 1950, 1951। अमित शर्मा का सबसे पहला आंसर आया है बी। सबसे पहला आंसर किसका आया? बी आंसर आया, अमित शर्मा का आया है 1935। शिवम का आंसर आया है सी 1949। चौहान साहब का आंसर आया है 1949। वीकू का आंसर भी सी आया 1949। विमलेश का सी आंसर आया, सौरभ का भी सी आया, प्रदीप का बी आंसर आया है। भाई बाकी लोग भी जितने लोग जुड़े हैं जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ और वीडियो को शेयर करते चलो। ठीक है, प्रदीप का भी बी आंसर आया, सरताज जैन का सी आंसर आया है, चौहान साहब 1949 फिर से कह रहे हैं, राधे लाल मीना भी सी कह रही हैं, अभिनव दुबे भी कह रहे हैं। लेट नहीं करते हैं, सही आंसर बताते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं आरबीआई एक्ट की। जब बात करते हैं तो देखिए, आरबीआई एक्ट की जब आप बात कर रहे हो ना, तो आपका आंसर क्या होगा? 1934। क्या होगा? 1934। लेकिन जब आरबीआई की स्थापना की बात करते हो तो आपका आंसर क्या होगा? 1935। लेकिन जब आप आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की बात करते हो तो आपका आंसर 1949 होगा। तो यहां पे कंफ्यूज होना ही नहीं था, क्योंकि ये कल तीनों चीज हमने पढ़ाई थी, आपको याद होगा कि आरबीआई एक्ट 1934 है, आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट 1935 है, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 है। तो यहाँ पे कोई डाउट था ही नहीं। तो जितने लोगों ने सी आंसर दिया है भाई, वो सही है, नाम हम ले चुके हैं आपका, बिल्कुल है ना 1949। बिल्कुल बी आंसर अभिषेक सैनी गलत है, सही आंसर क्या है? 1949। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, देखिए 1949 आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई फ्रॉम इंडियन ओरिजन? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ये भी क्वेश्चन याद होगा, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ठीक है अमित शर्मा, सोइए मत, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ठीक है, सोने का टाइम तो है ही नहीं, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए नींद कैसे आ सकती है? जब हम लोग जग के पढ़ा सकते हैं तो आप तो पढ़ ही सकते हैं, है ना? टीचर्स आपके साथ रात भर मेहनत करने के लिए तैयार है, और स्टूडेंट सोएंगे तो फिर कैसे चलेगा? नहीं ना, बिल्कुल साथ में जुड़ते रहिए और जवाब देते रहिए, 100% है, सिलेक्शन कहीं दूर नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर दो। अमित शर्मा का आंसर ई आ गया, बहुत जल्दी जग गए अमित शर्मा, ई आंसर आ गया, वेरी गुड। शिवम ए आंसर, अमित शर्मा का आंसर फिर से बी आ गया, डबल डबल आंसर। ठीक है, बहुत ज्यादा नींद खुल गई है अमित शर्मा की। सौरभ का ई आंसर, विमलेश का ए आंसर, अभिषेक सैनी का ए आंसर, राजकुमार का ए आंसर, जबकि कल पढ़ा चुके हैं, फिर भी कुछ लोगों का गलत आंसर आ रहा है। अभिषेक सैनी ए आंसर, सरताज सैन ए आंसर, राधेलाल ई, सलमान अहमद ई, चौहान साहब सी, डी देशमुख कह रहे हैं, अभिनव दुबे ए कह रहे हैं। तो देखिए भाई, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन क्या किया था कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात करी थी, तो क्या था? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। लेकिन जब हम आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात कर रहे थे तो क्या था? सी डी देशमुख था। तो सी राजगोपालचारी की तो बात ही नहीं आई कहीं पर, भारतीय गवर्नर की बात आई तो सी डी देशमुख थे। क्लियर है? तो यहां पर आंसर गलत हो गया। जितने लोगों का ई आंसर है, कुमकुम मिश्रा का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल कुमकुम मिश्रा, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, थैंक यू जुड़ने के लिए। रिकू गुड्डू कुमार ए आंसर, ए बिल्कुल गलत आंसर है, यही होगा, बिल्कुल अमित शर्मा, बिल्कुल इसीलिए कह रहे हैं सोइए नहीं, आंसर देते रहिए, लोगों को मोटिवेट करते रहिए। उत्कर्ष सिंह राणा, ठीक है आंसर ई, बिल्कुल सही है। शिवम ई आंसर, तो वीकू का भी आंसर ई आया था, सलमान अहमद का भी, अभिनय दुबे का गलत आंसर था, चौहान साहब सी डी देशमुख बिल्कुल सही आंसर। तो मतलब जितने स्टूडेंट्स ने ई आंसर दिया है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखिए, कितने कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? कुछ लोगों के गलत हो रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो बिल्कुल ही गलत नहीं करना है, क्योंकि ये तो सबसे बेसिक चैप्टर था ना इकोनॉमिक्स का, और इसमें आंसर गलत हो रहा है, ये गलत बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सिक्कों का टंकण कौन करता है, मिंट कौन करता है, सिक्कों को मिंट कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, कोई बात नहीं सौरभ सर, कोई बात नहीं, आज बिल्कुल बिल्कुल सौरभ सर, रोज इसी टाइम क्विज चलेगा,
और सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी, क्लियर। और डेली बेसिस पे आपको पहले एक दिन पढ़ाया जाएगा टॉपिक और अगले दिन उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि वो रिवीजन हम दोबारा ना भी करें तो हमें क्वेश्चन आंसर याद रहे, क्लियर है ना। तो उस चैप्टर से रिलेटेड आप हम लोग कल मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक। बिल्कुल, सौरभ सांडलिया का आंसर आ गया है बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उत्तम का आंसर बी आ गया है। अमित शर्मा का बी आंसर आया। सीमा दास आरबीआई कह रही है। कुमकुम मिश्रा आरबीआई कह रही है। विमलेश बी कह रहे हैं। शिवम भी बी कह रहे हैं। उत्कर्ष राणा भी बी कह रहे हैं। अर्णव नाथ बी कह रहे हैं। तो देखना है सही आंसर बी 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 बी। कुछ लोगों का ए है, बाकी सबका बी है। तो देखो कंफ्यूजन तो होता ही है। फिर हमने क्या कहा कि लोगों को लगता है कि रुपया भी आरबीआई छापता है और सिक्के का टंकण भी आरबीआई करता है। देखो अभी पीछे भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, 2 क्वेश्चन डिस्कस किए सिक्कों से रिलेटेड, लेकिन फिर भी अभी क्या हुआ कि अभी गलत हो गया है ना, कई लोगों का फिर से गलत हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। सही आंसर जितने लोगों ने भी बी दिया था, विमलेश, शिवम, उत्कर्ष, अर्णव, अमित शर्मा, सरताज, सौरभ, सलमान अहमद गलत है सर, अभिलाष प्रसाद, तो देखिए जितने लोगों का बी आंसर है ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आरबीआई नोटों को छापती है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में क्या आता है, सिक्के आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा। और जब कभी भी पूछा जाए, वो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, जल्दी से आंसर बताइएगा, 1 रुपए की नोट पे सिग्नेचर किसका होता है, जल्दी से आंसर। वेरी गुड, जितने लोग भाई सही आंसर दे रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है, और जितने लोग जुड़ते जा रहे हो बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जुड़ते जा रहे हो और आंसर देते जा रहे हो, लगातार सबका आंसर आता जा रहा है। गलत है कोई बात नहीं, कल सही होगा, आज गलत तो क्या हुआ है ना। 1 रुपीज भी, बिल्कुल 1 रुपए का की नोट पे सिग्नेचर किसका होता है, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो भाई। 1 रुपए की नोट पे वित्त सचिव का होता है, वेरी गुड। कल क्वेश्चन पूछा था और आज देखिए शिवम का पहला आंसर आ गया है भाई, वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, बिल्कुल वेरी गुड। वित्त सचिव, वित्त सचिव, देखिए अमित शर्मा, देखिए कल हमने यही चीज बताई थी कि भैया वित्त सचिव और वित्त मंत्री दोनों में बहुत अंतर है नी, ठीक है। तो वित्त सचिव बिल्कुल सही आंसर है, वित्त मंत्री नहीं होगा। 1 रुपए की नोट पे सिग्नेचर वित्त सचिव का होता है, उससे ऊपर की नोट पे सिग्नेचर आरबीआई के गवर्नर का होता है, क्लियर है ना। आरबीआई के गवर्नर प्रेजेंट टाइम में मिस्टर शक्तिकांत दास है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कौन से नंबर के हैं, चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं यहाँ पर। प्रेजेंट टाइम पे मिस्टर शक्तिकांत दास जो कि आपके आरबीआई के गवर्नर है, जल्दी से बताइए कौन से नंबर के गवर्नर है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। प्रेजेंट टाइम पे हनुमान बिल्कुल सही आंसर है, कोठी वाला बिल्कुल सही आंसर वित्त सचिव का होता है। जितने लोग ने विमलेश, सरताज, शिवम, अमित शर्मा का गलत था बस, और सबका सही था। अमित शर्मा कह रहे हैं 28 नंबर, चलिए ऑप्शन दे देते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है तो क्या हुआ। 25, 26, 27, 28 कौन से नंबर के हैं, 46वें नंबर के हैं भाई। अभी तक 1 लोगों का सही आंसर आया है। चौहान साहब कह रहे 46, अमित शर्मा कह रहे 28, उत्तम कह रहे हैं 24, अमित शर्मा कह रहे 28, हनुमान कह रहे हैं कोठीवाला, रिंकू मीना कह रही है 25, सौरभ भी 25 कह रहे हैं, अभिषेक गौर भी कह रहे हो, बिल्कुल सही आंसर है सर। अभी हमने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है, जल्दी से आंसर दो। तो बता दें आपको 25th बिल्कुल सही आंसर है, अभिषेक गौर हेलो सर, जल्दी जल्दी आंसर देना स्टार्ट करिए। तो जितने लोग का भी 25th आंसर है बिल्कुल सही है। प्रेजेंट टाइम पे जो शक्तिकांत दास आपके गवर्नर है, किसके, आरबीआई के गवर्नर, उनका जो कौन से नंबर के हैं कभी पूछा जाए तो 25th नंबर के हैं, बिल्कुल 15 नंबर के नहीं है सर, 25th नंबर। प्रवीण मौर्य 25th नंबर के हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आकाश बजाज
25वें नंबर के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी डिस्कशन करेंगे, टाइम ज्यादा नहीं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ आरबीआई, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है। कल हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ आरबीआई पढ़े थे, ऑप्शन आपके सामने है, बैंकर ऑफ द बैंक, बैंकों का बैंक, लेंडर द लास्ट ड्रॉ, अंतिम ऋणदाता आरबीआई को कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, क्रेडिट कंट्रोलर, मॉनेटरी अथॉरिटी, एलोकेटिंग फंड्स डायरेक्टली टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए भाई। देखिए आधा घंटा बचा है, आधे घंटे में भी हम बहुत डिस्कशन करना है, जल्दी जल्दी आंसर। दीक्षा रिमान ने आंसर दिया है सी, क्रेडिट कंट्रोलर। भाई फटाफट आंसर देना शुरू करो भाई, आकाश बजाज का ई आंसर आया है। एक सेकंड है आपके पास, एक सेकंड में देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है, समय कम है हमारे पास। ई ई ई ई प्रवीण मौर्य, कुमकुम, सौरभ सान लिया, आकाश बजाज। तो आपको बता दें बिल्कुल करेक्ट आंसर है ई। हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था आरबीआई के फंक्शन, बैंकर ऑफ द बैंक, बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता भी आरबीआई को कहा जाता है, ऋण को कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई का है, और मनी का राइट्स भी पूरे पूरे आरबीआई के पास है। तो सही आंसर क्या होगा, ई आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन आरबीआई वॉज स्टैब्लिश, आरबीआई किस कमिटी की, किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चौहान साहब बिल्कुल सही है, रिंकू मीना, जल्दी से क्वेश्चन अब क्या हो गया, नेक्स्ट आ गया, जल्दी जल्दी आंसर दो। अभिषेक गौड़, ई आंसर बिल्कुल सही था भाई, इसका आंसर दे रही है सी, नरसिम्हन कमिटी। दीक्षा जी दे रही है आंसर, बाकी लोग प्रवीण मौर्य बिल्कुल, यस सर यस सर। जल्दी से आंसर दीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें का आंसर। ऑसबॉर्न स्मिथ, शिवरमन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, हिल्टन यंग कमीशन, इंदिरा गांधी। प्रवीण मौर्य का आंसर डी आया है, हिल्टन यंग कमीशन आया है। शिवम कह रहे हैं ए आंसर, ऑसबॉर्न स्मिथ कह रहे हैं भाई, बाकी लोग आंसर दो, एक सेकेंड है, ज्यादा साइन नहीं है आप लोगों के पास। राधे लाल बी, चौहान साहब, नरसिम्हन कमेटी, कुमकुम मिश्रा सी आंसर दे रहे हैं, है ना। दो लोग का आंसर जल्दी से और आ जाए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। प्रवीण मौर्य डी, सी आंसर हनुमान कोठी वाला। तो भाई देखो जो सही आंसर दिया है ना, वो दिया है डी आंसर, प्रवीण मौर्य ने सही आंसर दिया है, सौरभ ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, और भाई किसने दिया, प्रवीण मौर्य ने सही आंसर दिया है। तो इतने लोग का आंसर सही है, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक इज नोन एज बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। इसका आंसर तो तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि अभी अभी ये पॉइंट डिस्कस हुआ है। एसबीआई, नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी, नन ऑफ दीज। फटाफट आंसर दो भाई। सताज बी आंसर दे रहे हैं, नाबार्ड। भाई किसका आंसर दे रहे हो, प्रवीण मौर्य, वेरी गुड। जल्दी से भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीण मौर्य आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी। अभिनव दुबे ने सी आंसर दिया आरबीआई, अर्नब नाथ ने दिया है सी आंसर आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई, फटाफट। सी आंसर प्रवीण मौर्य का भी सी आंसर, आरबीआई आरबीआई आरबीआई, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कल हम लोगों ने बताया था कि अगर बैंकों से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो कस्टमर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना, बैंकिंग ऑम्बड्समैन में कंप्लेन दर्ज करता है, तो इसकी शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, सेबी, एसबीआई, नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर दीजिए। मनीष कुमार बिल्कुल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, सी आंसर, अब फिर सी आने लगा है, सेबी। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें का आंसर देना शुरू करो फटाफट। बी आंसर आरबीआई, डी आंसर प्रवीण मौर्य, डी आंसर दे रहे हैं एसबीआई, विमलेश सी आंसर दे रहे हैं सेबी, जबकि कल डिस्कशन हो चुका है आरबीआई आरबीआई। भाई बी लोगों का आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का सी आ रहा है, कुछ लोगों का डी भी आ रहा है, तो जो करेक्ट आंसर है ना, याद रखिएगा आरबीआई है। क्या आंसर, आरबीआई। बैंकिंग ऑम्बड्समैन की शुरुआत किसने करी है, आरबीआई ने करी है, ना कि सेबी ने करी है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी है, ना कि एसबीआई ने करी है। सही आंसर क्या है, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का पुराना मुख्यालय कहां था।
भाई ये पढ़ा चुके हैं, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी इसका आंसर हमको देते जाइए। सरताज सी 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 पर सी आंसर नहीं था, आरबीआई सही आंसर था, रिंकू मीना ई आंसर नहीं है, सी आंसर सही आंसर नहीं है भाई, बी आंसर सही था। तो जितने अनमनाथ का बी आंसर था, तो जितने लोगों का बी आंसर था बिल्कुल सही था, ठीक है कोई बात नहीं है, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, उसका आंसर दो ना फटाफट। अर्णव नाथ ने सी आंसर दिया कोलकाता, दीक्षा ने डी आंसर दिया लखनऊ, आरबीआई का हेडक्वार्टर लखनऊ था, अच्छा भाई। आशीष कोलकाता कोलकाता, अभिषेक गौर कह रहे हैं कोलकाता, कुमकुम मिश्रा कोलकाता बता रही है, अर्णव नाथ कोलकाता बता रहे हैं। तो लेट नहीं करते, कल डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, बिल्कुल सही आंसर है कोलकाता, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए यहाँ पे दो आंसर आपको मिलेंगे, एक तो ये मिलेगा कि कोलकाता पुराना हेडक्वार्टर था, बिल्कुल सही है, लेकिन कोलकाता से मुंबई में अब हो गया है, ये भी सबको पता है। लेकिन अब आप क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो क्या है कि आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में कब स्थापित किया गया, मतलब कोलकाता से शिफ्ट कब किया गया मुंबई की तरफ, किसका आरबीआई का मुख्यालय, 1934, 1935, 1937, 1950, 1936। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, अभी कम से कम 15 क्वेश्चन है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में कब शिफ्ट किया गया है, तो प्रेजेंट टाइम पे एक क्वेश्चन तो यहां से बन गया ना कि आरबीआई का प्रेजेंट टाइम पे क्या है, कहाँ हेडक्वार्टर है, तो मुंबई आपका आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर लोग दे रहे हैं, सी आंसर दे रहे हैं 1937। खुशी सिंह बी आंसर दे रही है, रिंकू मीना ए आंसर दे रही है, शिवम बी आंसर दे रहे हैं, खुशी सिंह 1935, प्रतिभा बी आंसर दे रही है भाई, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी आंसर दो, जितने लोग जुड़े हैं, सोने का समय नहीं है, आलस करने का समय नहीं है, सिलेक्शन लेने का समय है, ठीक है जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए। प्रतिभा बी आंसर, तो भाई आगे बढ़ते हैं, लेट नहीं करते हैं, देखिए बिल्कुल बिल्कुल थर्ड दे रहे हैं, सी आंसर 1937। चलिए भाई फटाफट बाकी लोग, अभिनव दुबे डी आंसर, कुमकुम मिश्रा बी आंसर, राधेलाल बी आंसर 1935। भैया अभी बता चुके हैं कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, तो बार बार 1935 देने का क्या मतलब है, बिल्कुल सौरभ सन्ने भाई दिया है 1937, तो आपको हमने बताया कि आरबीआई एक्ट 1934 है, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, लेकिन आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थापित कब किया गया था, 1937 में किया गया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ₹200 की नोट, कल हम लोग ने डिस्कशन किया था और आप वीडियो अगर पिछला देखोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा वहां पे, ₹200 की नोट पे किसका चित्र अंकित किया गया है, ₹200 की नोट पे किसका चित्र अंकित किया गया है, बिल्कुल राहुल तिवारी का बी आंसर आया है 1935, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल वेरी गुड राहुल तिवारी। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ₹200 की नोट पर किसका चित्र अंकित किया गया है, आंसर देना स्टार्ट करिए, हम्पी, सांची का स्तूपा, रेड फोर्ट, रानी की वाव, नन ऑफ दीस, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, लेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हमने कल वीडियो में पढ़ा रखी हैं, ठीक है। विमलेश ए आंसर दे रहे हैं हम्पी, प्रतिभा दे रही है बी आंसर, बाकी लोग कहां सो गए, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, कुमकुम दे रहे हैं डी आंसर, कृष्णा घोष दे रहे हैं बी आंसर, बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर दो, टाइम नहीं है ज्यादा, बी आंसर डी आंसर, जाटराम दे रहे हैं बी आंसर। तो भाई आपको बता दें जितने लोगों का बी आंसर आया, नाम ले चुके हैं हम, ठीक है बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सरताज शिवम बिल्कुल सही आंसर है, गांधी जी नहीं है ऑप्शन में, सच चित्र पूछा गया है, ठीक है सांची का स्तूपा सही आंसर है, रानी की वाव नहीं सही आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, देखिए अगर किसी को डाउट हो रहा है तो पिछला वीडियो जरूर उठाकर देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, पिछला वीडियो देख लेंगे ना तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अपने आप ऑलरेडी आ जाएंगे, क्लियर। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिटन ऑन द इंडियन करेंसी नोट, मतलब भारत की जो मुद्रा है,
ठीक है, जो नोट है आपके उस पे कितनी भाषाएं लिखी जाती हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, एक दो बार नहीं पूछा गया है, ठीक है, हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है। 14, 16, 20, 17, 25 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से खुशी सिंह बी आंसर, पिछले का हो चुका है, अब आपको जल्दी जल्दी 17वें का ए आंसर दे रहे हैं लोग, 14 लैंग्वेज लिखी होती है, खुशी दे रही है डी आंसर 17, 17 शिवम, 17 चौहान, 14 कह रहे हैं, विमलेश डी कह रहे हैं, 17 कह रहे हैं, सौरभ 15 कह रहे हैं, आशीष विश्वकर्मा 17 कह रहे हैं। भैया आज ऐसा करना, अभी जब वीडियो खत्म हो जाए ना तो नोट को जरूर उठा के देखना, ठीक है, डाउट सारे खत्म हो जाएंगे। देखिए 15 तो लैंग्वेज होती होती है, जब हिंदी इंग्लिश मिला लेते हैं तो टोटल कितनी हो जाती है 17, तो सही आंसर क्या होगा 17, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल ए आंसर नहीं है, राहुल तिवारी का सही आंसर है, शिवम का डी आंसर है, जितने लोगों का ना डी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, हिंदी इंग्लिश मिला लोगे ना तो 17 लैंग्वेजेस हो जाती हैं, वैसे अगर आप देखोगे तो 15 आपको दिखेंगी, है ना, तो 15 लोग डाउट होता है लेकिन आपका करेक्ट आंसर 17 है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द टर्म पीरियड ऑफ आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये भी कल क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, हाँ या ना, जल्दी से आंसर आ जाइए, दीजिए फटाफट आंसर, भाई आंसर दे चुके हैं हम 17, अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अभिनव दुबे का डी आंसर आ गया 2 साल, अभिनव दुबे कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो भाई, 18वें के क्वेश्चन का आंसर दो, वो बता चुके हैं अब हम, जल्दी जल्दी आंसर देना स्टार्ट करिए, 4 साल, 3 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, आंसर आ रहा है लोगों का 5 साल, 5 साल, 5 साल, 5 साल, भाई बताओ क्या होगा सही आंसर, कुमकुम मिश्रा 5 साल, राहुल तिवारी 3 साल, 5 साल, प्रतिभा सी कह रही है 5 साल, मोस्टली लोगों का आंसर कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 बार बताया था मैंने कि आरबीआई के गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 साल का, उसको एक्सटेंड किया जाता है कितने साल के, 2 साल के लिए, और तो टोटल 5 साल होते हैं, तो सही आंसर क्या होगा 3 साल होगा, जब आपका आंसर पूछा जाए तो 3 साल लगाओगे, तो जितने लोगों ने 3 साल दिया है ना आंसर वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, और जितने लोगों ने 5 साल दिया है वो उनके हिसाब से सही है, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या है, गलत है, एग्जाम में गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ट्री इज प्रिंटेड ऑन इंडियन करेंसी, आपका जो करेंसी नोट होते हैं उस पे चिन्ह होता है पेड़ का, वो चिन्ह किस पेड़ का होता है, जल्दी से बताइए किस पेड़ का जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है, जल्दी से आंसर दीजिए भाई, 3 साल हो गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अभिषेक गौर, खुशी, शिवम, सब लोग फटाफट दूसरे आंसर पे आ जाओ, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि हमारे पास टाइम हो गया है कम और क्वेश्चन है भी ज्यादा। संजय चौधरी दे रहे हैं तीसरा आंसर, 3 साल, हाँ हाँ वो पिछला क्वेश्चन था, अब जल्दी से इस क्वेश्चन पर आ जाइए, 19वां क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन से पेड़ का चिन्ह बना होता है, बरगद, खजूर, पीपल, पाम ट्री, ताड़ जिसे कहते हैं, और 39 उत्कर्ष सिंह राणा, सुनंदा राणा आंसर बी दे रहे, खजूर का पेड़ बना होता है भाई, देखते हैं, बरगद, आशीष विश्वकर्मा दे रहे हैं जो आंसर, वो दे रहे हैं ताड़, बाकी सब दे रहे हैं बरगद, खजूर, पीपल तो नहीं है, ये तो सबको पता है ना, तो 3 ऑप्शन में से एक है, लो खुशी सिंह ने पीपल कह भी दिया, पीपल है, ठीक है, पीपल तो नहीं है, चलो बाकी तो विमलेश डी कह रहे हैं, ताड़ कह रहे हैं, सर पीडीएफ भी मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी, सर जल्दी जल्दी पहले अभी आंसर दीजिए, सर पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है, आप टेलीग्राम पे भी हम लोग से जुड़ सकते हैं, सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक, सही आंसर क्या है, जितने लोगों ने डी आंसर दिया है, ताड़, मतलब जिसको पाम ट्री कहते हैं वो सही आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कल पढ़ा चुके थे, गलत तो होना नहीं चाहिए किसी कीमत पर, है कि नहीं, नेशनल हाउसिंग बैंक की, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 9 जुलाई 1981, 9 जुलाई 1982, 9 जुलाई 1984, 9 जुलाई 1987 एंड 9 जुलाई 1988, करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप आंसर दोगे, क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है, तो जितने लोग भाई जुड़े हैं वो जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे, पिछला क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मिलेगी भैया, पीडीएफ का है, पीडीएफ के लिए अभी परेशान काहे हो रहे हो, पहले अभी तो ऑनलाइन जुड़े हो, जल्दी जल्दी आंसर दो, हाँ बिल्कुल सब कुछ मिलेगा, सारी चीजें बताई जाएंगी सर, ठीक है, फटाफट अभी आंसर दीजिए,
9 जुलाई 1981, 9 जुलाई 1982, 9 जुलाई 1984, 9 जुलाई 1987, 9 जुलाई 1988। सही आंसर देखते हैं क्या है। सी आंसर आया है लोगों का 1984, राहुल तिवारी 1988, राधे लाल मीना सी आंसर, जाटराम 1984, विमलेश सी आंसर दे रहे हैं, उत्कर्ष सिंह राणा बी आंसर दे रहे हैं। तो भाई सही आंसर क्या है, तो जितने लोगों का क्या आंसर है, ई आंसर है। ई आंसर मतलब 1988, 9 जुलाई 1988। याद रखिएगा जब नेशनल हाउसिंग बैंक की एक्ट की बात होती है तो 1987 है, और स्थापना की जब बात होती है तो 1988 है। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, न्यू दिल्ली है। कहां हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली, याद रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रीजनल रूरल बैंक आरआरबी की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कल हम इस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जल्दी से आंसर बताइए। नरसिम्हन कमिटी, शिवरमन कमिटी, इंदिरा गांधी एंड एम स्वामीनाथन, या बोथ थ्री एंड फोर। भाई जल्दी से सर, कल आपको टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। आज जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। ई आंसर आ गया है, बोथ थ्री एंड फोर, थ्री एंड फोर आंसर आया है भाई। शिवम का आंसर सबसे पहला आंसर, अक्षय गौड़ का भी, खैर बी ई आंसर आ गया है। बाकी लोग आंसर देते जाओ फटाफट। रिंकू ई आंसर, नरसिम्हन। देखिए चलिए लेट नहीं करते, आरआरबी की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो कल हमने पढ़ाया था इंदिरा गांधी एंड एम एस स्वामीनाथन की सिफारिश पर की गई थी। तो करेक्ट आंसर जितने लोग का क्या है, ई आंसर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। लेकिन जब आपको कमिटी पूछी जाए तो आपके आंसर नरसिम्हन कमिटी होगी। क्लियर है, नरसिम्हन कमिटी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इन विच ईयर वॉज अ रीजनल रूरल बैंक एस्टैब्लिश, आर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए, सब कुछ डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975, 5 अक्टूबर 1976। क्वेश्चन आंसर जल्दी, अभिनव दुबे दे रहे हैं ई आंसर, 5 अक्टूबर 1976 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1976। भाई जल्दी जल्दी आंसर देना स्टार्ट करो, गलत आंसर तो नहीं देना चाहिए क्योंकि कल हम ऑलरेडी इसको पढ़ा चुके हैं ना, तो जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है वो गलत नहीं होता चाहिए, है ना। अभिनव दुबे दे रहे हैं बी आंसर, 2 अक्टूबर 1972। नाइस सर दे रहे हैं ई आंसर, 5 अक्टूबर, भाई 5 अक्टूबर तो है ही नहीं। डी आंसर दे रही, 5 अक्टूबर 1975। भाई सही आंसर देना शुरू करो, भाई गलत आंसर मत दो, फटाफट आंसर दीजिए। राहुल तिवारी भी आंसर दे रहे, 5 अक्टूबर 1975। भाई थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, ईयर सही हो गया है लेकिन डेट गलत है। 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था, कल हमने पढ़ाया भी था कि आरआरबी का एक्ट 1976 है, बट अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाए तो क्या है, 1975 है, वो भी 2 अक्टूबर 1975। तो जितने लोगों का आंसर 1975 है वो तो सही है, पर कुछ लोगों की डेट गलत हो गई है। तो डेट याद रखिएगा, 5 अक्टूबर नहीं है, 2 अक्टूबर है। क्लियर, 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जयंती होती है, सबको पता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाबार्ड का मुख्यालय, नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। लेकिन नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, इसका आंसर तो भाई आप लोग दोगे, न्यू दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, लोगों का सी आंसर आ गया है। विमलेश ने आंसर दिया है सी, जल्दी जल्दी भाई बाकी लोग आंसर देते जाओ, बाकी लोग फटाफट आंसर देते जाइए, क्या आंसर होगा, न्यू दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, क्या आंसर होगा। 23वें क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए, टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है हमारे पास, है ना, क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि मेरा मेन मोटो था कि आपसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या होगा, उससे फायदे आप ही को होंगे। मुंबई 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 मुंबई, तो बिल्कुल लेट नहीं करते, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मुंबई, बिल्कुल वेरी गुड। विमलेश, आशीष, पिंकू, शिवम, अर्णव, बिल्कुल, प्रतिभा, राधेलाल,
का गलत आंसर था, बाकी सबका सही आंसर था। राहुल तिवारी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्रीय सरकार की कितने परसेंट हिस्सेदारी है? जल्दी से आंसर, ये 50, 35, 15, 20, 30। कल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में तीन लोग की हिस्सेदारी होती है। किसकी किसकी? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्पॉन्सर्स की तीन लोग की हिस्सेदारी होती है, जो कि हमने डिस्कस करी थी। यहां पे हमने जो क्वेश्चन लाया है वो क्या है? केंद्र सरकार की हिस्सेदारी। फटाफट आंसर दीजिए, आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या आंसर होगा? 50, 35, 15, 20, 30। क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, बिना लेट किए हुए आंसर देते जाओ, क्योंकि जितनी जल्दी आप आंसर दोगे ना, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की। आप लेट करोगे तो हमारे क्वेश्चंस भी कम हो जाएंगे, है कि नहीं है? 35 आंसर आया है चौहान का। चौहान साहब का आंसर आया है 35। भाई बाकी लोग भी आंसर दे दो फटाफट, एक सेकेंड है आपके पास, देखते हैं जल्दी जल्दी। बी आंसर आ रहा है 35, 35। लोगों का 35 आ रहा है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार पूछा है, केंद्र सरकार पूछा है हमने, केंद्र सरकार है ना। प्रतिभा का आंसर ए आया है। लेट नहीं करते हैं, बाकी लोग आंसर देते जाएंगे। देखिए, कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये पॉइंट डिस्कस किया था, आरआरबी में तीन लोग की हिस्सेदारी होती, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्पॉन्सर्स की। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी हमने बताई थी 50%, ध्यान से सुन लीजिए जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार की 15% और स्पॉन्सर्स की 35%। क्या बताया था? यही बताया था, तो कैसे कंफ्यूज हो गए आप लोग, है ना? नहीं कंफ्यूज होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50% इसका आंसर क्या है? ए, जितने लोग ने ए आंसर दिया था बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट नाबार्ड, नाबार्ड को रेगुलेट करने का कार्य किसका है? ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कल हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो आंसर तो गलत होगा ही नहीं किसी का मेरे ख्याल से। फटाफट आंसर दीजिए। अमन शर्मा बी आंसर दे रहे हो, सही आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ क्या आंसर है ना। तो आप फटाफट आंसर देना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 25वें का आंसर चाहिए हमको, देखते हैं कितनी जल्दी कौन आंसर देता है। समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। आरबीआई, सिडबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेबी, अनोन ऑफ दीस। देखते हैं कि आंसर किसका आता है। सोना नहीं है, जागते रहना है, जब तक क्लास चलेगी तब तक। भाई 12 बजे भी लोगों की क्लास होती है, 12 बजे भी जुड़ना है। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए नींद तो आनी ही नहीं चाहिए। कैसे नींद आ जाती है भाई, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है ना। नींद नहीं आनी चाहिए, जब तक सिलेक्शन ना हो नींद आ कैसे जाए। चलिए, आरबीआई, आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पी को कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहे हैं, प्रतिभा कह रही है, ए आरबीआई कह रही है, और कल हम पढ़ा चुके हैं। इसका मतलब है आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, लोग कुछ लोग आरबीआई कह रहे हैं, अभिनव दुबे ए कह रहे हैं। तो आपको हम बता दें सही आंसर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आरबीआई नहीं है, क्योंकि नाबार्ड के स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो फिर क्या है, तो सही आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कल हम लोगों ने थोड़ा सा किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी जाना था, याद है? तो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जाना था, तो आप चलिए जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन हमने दिया ही था आपको, किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। अब भाई क्वेश्चन चेंज हो चुका है, राधेलाल, अभिनव, सब लोग ध्यान से, क्वेश्चन चेंज हो चुका है। क्वेश्चन जो चेंज हुआ उसका आंसर दीजिए। 1991, 1995, 1998, 1997, 1996। सही आंसर हमें चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन होमवर्क में था आपके। 1995 विमलेश कह रहे हैं, बी 1995। भाई बाकी लोग भी कह दो जल्दी से आंसर। वीडियो को प्लीज शेयर और लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके 100% यही चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाओ, लोग जुड़ते जाएं और लोग आंसर देते जाएं, हमें भी मजा आए और आपको भी मजा आए, है कि नहीं। चलिए, 1991 पीकू ने 1998 दिया, अर्नब ने 1995 दिया है, मोस्टली लोगों ने पीकू ने 1998 दिया है, प्रतिभा ने सी दिया 1998। लेट नहीं करते हैं, सही आंसर जो है वो क्या है? 1998 है। क्या है? 1998 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये होमवर्क दिया था हमने आपको, जितने लोग मेरे संग कर जुड़े थे, बिल्कुल सही आंसर दिया लोगों ने, 1998। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंसर स्क्रीन पर है। द टाइम पीरियड ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की समय अवधि कितने वर्ष की होती है? 3 साल, 2 साल, 5 साल, 1 साल, 6 साल।
चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, 27 का आंसर हमको चाहिए। 27 क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी चाहिए भाई। देखते हैं पहला आंसर किसका आता है। 27 किसान क्रेडिट कार्ड की समय अवधि कितने वर्ष की होती? 3 साल, 2 साल, 5 साल, 1 साल, 6 साल। कोई बात नहीं विमलेश सर, आप नए हैं तो कोई बात नहीं है। कल से लगातार आप जैसे आज जुड़े हैं वैसे रोज जुड़िए, आपको टॉपिक भी मिलेंगे, आपको उससे रिलेटेड क्विज भी मिलेगी। और सुबह 6 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स मिलेगी और अच्छी अच्छी करंट अफेयर्स मिलेंगी और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सुबह 6 बजे भी जुड़ना मत भूलिएगा करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। ए ए ए ए ए आंसर आ रहा है, मोस्टली लोगों का आंसर ए आया है। अर्नब नाथ ने 5 साल दिया है, 5 साल दिया है, बाकी सबका 3 साल आया। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका क्या है भाई, जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर। 5 साल है कि 3 साल है? 5 साल है कि 3 साल है, जल्दी से आंसर बताइए भाई। 3 मोस्टली लोगों का 3 साल भी आ रहा है, कुछ लोगों का 5 साल आ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या है भाई यहाँ पे? 5 साल बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने लोगों का आंसर क्या है 5 साल है, वो बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो किसकी रिकमेंडेशन पर लाया गया था? किसकी रिकमेंडेशन पर किसान क्रेडिट कार्ड आया था भाई? किस किसान क्रेडिट कार्ड किस समिति की सिफारिश पर आया था? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चेंज हो चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए भाई, टाइम बहुत ज्यादा कम है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन चेंज हो चुका है। किसान क्रेडिट कार्ड किस समिति की सिफारिश पर आया था? खन्ना, रंगराजन कमिटी, आरवी गुप्ता कमिटी, नरसिम्हन कमिटी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन चेंज हो चुका है, जल्दी जल्दी आंसर तो देखते हैं पहला आंसर किसका आता है। पहला आंसर किसका आता है, वो भी सही आंसर विमलेश कह रहे हैं, बी रंगराजन कमिटी कह रहे हैं। बाकी लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आंसर किसका आता है। विमलेश का आंसर आया बी। भैया सर्च वर्च करने लगे क्या, जल्दी जल्दी आंसर दो। तन्मय कह रहे हैं बी आंसर, बी आंसर। प्रतिभा ने कहा है खाली सी आंसर, तो आपको बता दें प्रतिभा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। आरवी गुप्ता कमिटी करेक्ट आंसर है। क्लियर? आरवी गुप्ता कमिटी है किसकी? किसान क्रेडिट कार्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एस्टैब्लिश कब हुआ था? कल क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये पॉइंट डिस्कस किया था, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर आज जानेंगे। बिल्कुल सी आंसर, आरवी गुप्ता सही आंसर है भाई। बिल्कुल, इतनी रात में भी क्लास, बिल्कुल उमेश कुमार कैसे, वही तो कह रहे हैं कि सो कैसे सकते हैं यार, अभी हमारा सिलेक्शन कहाँ हुआ है? जब तक सिलेक्शन नहीं होगा हमको नींद ही नहीं आएगी ना, तो हमको सोना नहीं है, पढ़ाई करनी है, यही समय है पढ़ने का। पल्लवी ने कहा था सी आंसर, यहां पे आंसर बताओ भाई। बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1984, 1983, जल्दी से देखते हैं भाई पहला आंसर किसका आता है। 1983 पीकू का आंसर आ गया है, वेरी गुड पीकू। पल्लवी का आंसर आया सी, 1987 आया है। प्रतिभा का डी आंसर आया है। भाई सही आंसर किसका है? 1984। कल सुबह आपकी करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, किसकी क्लास रहेगी? करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। क्लियर? सुबह 6 बजे जुड़ना मत भूलिएगा भाई। सही आंसर क्या है? 1983 है। जितने लोगों का 1983 आया था, पीकू का सबसे पहला आंसर आया था, वो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आया था, वेरी गुड पीकू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। हेडक्वार्टर ऑफ बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेड इन, मतलब कि इसका मुख्यालय, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली, मुंबई, कानपुर, लखनऊ, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए भाई, सही आंसर क्या होगा? सरताज हुसैन ने बी आंसर दिया है भाई। अभिनव दुबे, न्यू दिल्ली, मुंबई, कानपुर, लखनऊ, नन ऑफ दीस। सही आंसर ए आंसर, ए आंसर पल्लवी का, ए आंसर आकाश बजाज का, ए आंसर न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली।
बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके, उसके बाद भी लोगों का गलत आंसर कैसे आ सकता है भाई? ए आंसर न्यू दिल्ली कैसे होगा भाई? ए आंसर, ए आंसर। दिल्ली 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 दिल्ली। पीकू का एक आंसर आया भाई लखनऊ, तो पीकू के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि पीकू का बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। पीकू वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है पीकू का। तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 30। उसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन उसी में बना लिए है ना, तो रिवीजन कहीं ना कहीं हो गया, सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो गया, पिछले पूरे टॉपिक का रिवीजन हो गया आज कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ जुड़ेंगे। अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स को इकट्ठा करके रखिए ताकि हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग कल फिर से कितने बजे मिलेंगे? 11 बजे मिलेंगे, 11 से 12 जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। और सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स से साथ जुड़ना मत भूलिएगा, करंट अफेयर्स कल हम लोग सुबह डिस्कस करेंगे। और अगर आपको प्लीज वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होंगी, सब कुछ आपको मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्रिप्शन बटन दबाओगे, बेल आइकन दबाओगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा कि क्लासेस कब यहाँ पे होंगी हमारी, ठीक है। कोड मत भूलिएगा, कोड आपके सामने लिखा हुआ है, संगीता कोड है। अगर आप हमारी लिंक शेयर करते हो और हमारे सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हो तो इस कोड के थ्रू परचेज करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है, 100% है कि हम आपके सिलेक्शन में पूरी तरीके से क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, और कोशिश यही रहेगी आपका सिलेक्शन 100% हो। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं कल 11 बजे फिर से, और कल सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स के साथ। तो थैंक यू सो मच क्लास, ठीक है। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वेरी गुड नाइट, गुड नाइट सबको, गुड नाइट, ठीक है, सबको गुड नाइट है। और भाई क्या है, 12 बज गए हैं, क्या हो गया है, 15 अगस्त लग गया, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि सोते रहना, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता आ गई पूरी तरीके से, तो गुड नाइट सबको। चलिए थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।